कहानी शुरू होती है क्लेटन नामी एक डिटेक्टिव को दिखाते हुए जो अब अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाला है। डिटेक्टिव ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत से केस सॉल्व किए थे सिवाय अपने पहले केस के, जिसमें वो एक पूरी फैमिली के मर्डर के पीछे का कातिल नहीं ढूंढ पाए। ये काम उनका पैशन था और ये छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान भी नहीं था। वो अभी भी अपने पुराने सॉल्व हुए केसेस की फाइल्स चेक कर रहे थे जहाँ उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल से आया खत मिलता है। रिटायर होने की वजह से उन्हें काम तो नहीं करना था, पर पता नहीं क्यों उनका इस केस में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। रात काफी हो गई थी, वो जागे हुए थे जब उनकी वाइफ उनके पास आकर उनके डिस्टर्ब रहने की वजह पूछती है। डिटेक्टिव अपने बेटे की तस्वीर उठाते हुए उनसे कहते हैं, क्या वजह हो सकती है? बस वही मेरा पास्ट, मेरा गिल्ट। पता चला है कि डिटेक्टिव की एक छोटी सी गलती की वजह से पास्ट में उनकी फैमिली का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई थी और उनकी बेटी पैरालाइज हो चुकी थी, और इस गिल्ट से वो पूरी जिंदगी अपने आप को नहीं निकाल पाई। आज डिटेक्टिव की बेटी का बर्थडे भी था। सुबह होने पर वो अपनी बेटी के बेड पे बर्थडे कार्ड रखते हैं और निकल जाते हैं उस हॉस्पिटल के लिए जहाँ से बार बार एक डॉक्टर उन्हें लेटर लिखकर बुला रहा था। हॉस्पिटल के अंदर आने पर रिसेप्शन पे सबसे पहले उसकी गन ले ली जाती है क्योंकि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था और यहाँ किसी भी किस्म का हथियार ले जाना मना था। डिटेक्टिव डॉक्टर के रूम में आते हैं तो डॉक्टर उनका ऐसे वेलकम कहते हैं जैसे उन्हीं के इंतजार में वो बैठे थे। डिटेक्टिव जब डॉक्टर से उनको यहाँ बुलाने की वजह पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताते हैं जो काफी अजीब था। वो पागल नहीं था, वो अपने आप को सिविल वॉर का एक सोल्जर बताता था। सिविल वॉर इस वक्त से तकरीबन 100 साल पहले हुई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी सिविल वॉर में मारा जा चुका है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये आदमी 20 साल पहले जिंदा पाया गया। ऐसा पॉसिबल तो था ही नहीं कि उस वक्त के लोग अभी तक जिंदा हों। डिटेक्टिव को डॉक्टर की बातें बचकाने लग रही थी। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? डॉक्टर बताते हैं उस आदमी से मिलने के लिए, वो पिछले कई सालों से मेरे पास है और आपका नाम लेता है। उसके मुताबिक वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएगा। जवाब में डिटेक्टिव कहते हैं, देखिए डॉक्टर, मैं इस काम से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस सॉल्व करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और आज तो मैं इस आदमी से मिल भी नहीं सकता क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। अगर आप कहते हैं तो मैं किसी पुलिस वाले को भेज देता हूँ उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए। डिटेक्टिव ये बात सुनकर डॉक्टर उसे एक पेज दिखाते हैं जिस पर बार बार उस आदमी ने डिटेक्टिव क्लेटन का ही नाम लिखा हुआ था, और यही बात डॉक्टर क्लेटन को उस पेशेंट से मिलने पर मजबूर भी कर देती है। उस आदमी के पास जाते हुए डॉक्टर डिटेक्टिव से कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया लेकिन ये आदमी थोड़ा अलग है, ऐसे जैसे किसी पावर ने उसे पोसेस किया हो। लोगों की नजरों में वो पागल है लेकिन मुझे उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब नहीं लगती, और शायद इसी वजह से हॉस्पिटल का पुराना स्टाफ डैनियल नामी इस मरीज के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। डैनियल को सभी पेशेंट से भी अलग रखा गया था, जिसके पास इस टाइम सिस्टर रोज थी जिसे डैनियल की हालत के बारे में ज्यादा खबर नहीं थी। डिटेक्टिव जब डैनियल को देखते हैं तो वो उन्हें एक लाश लगती है। वो डॉक्टर से कहते हैं, अच्छा मजाक है, मैंने ऐसी सड़ी हुई लाश जिंदगी में पहली मरतबा देखी है। डिटेक्टिव ऐसा इसलिए कह रहे थे कि डैनियल का चेहरा भी सारा खराब था किसी मरे इंसान की तरह, साथ ही उसके जिस्म से सड़ने की स्मेल भी आ रही थी। डॉक्टर कहते हैं, डिटेक्टिव मेरा यकीन मानिए कि जिंदा है, पर डिटेक्टिव को डॉक्टर की बातों पर यकीन तब आया था जब सच में डैनियल ने उनके सामने अपनी आंखें खोली थी। डिटेक्टिव डैनियल से जो पहला सवाल करते हैं वो ये कि तुमने मेरा नाम सुना कहाँ है। डैनियल जब जवाब में ये कहता है कि न्यूज़पेपर में, तो डिटेक्टिव अब डॉक्टर की तरफ मुंह करते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। डिटेक्टिव को डैनियल की किसी बात पे यकीन नहीं था और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है, तो तभी डैनियल एक बोर्ड पे उसकी बेटी का नाम लिखते हुए लिखता है कि आज वो मरने वाली है। ये सुन डिटेक्टिव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लम्हा जाया नहीं करता और उठकर डैनियल का गला दुबाने लगता है। डॉक्टर उसे संभाल कर बाहर ले जाते हैं जहाँ पीछे डैनियल अजीब किसी शैतान की तरह हंसता रह जाता है। यहाँ बाहर डिटेक्टिव गुस्से से पागल हो रहे थे। वो डॉक्टर कहते हैं कि डैनियल सच में पागल ही है, वो कोई गेम खेल रहा है, उसने पहले मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और वो अब मुझे ही धमका रहा है। मुझे हर उस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस 20 साल के पीरियड में इससे मिला था। जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि मेरा यकीन करें, इतने सालों में इसे कोई नहीं मिला सिवाय कुछ नर्सेस के जो इससे मेडिसिन देती थी, या फिर मैं। यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आप जाकर डैनियल से खुद बात करें। डैनियल के रूम में हमें देखने को मिलता है कि डैनियल इतनी बुरी हालत के बावजूद अचानक उठ के सीधा बैठ जाता है। सिस्टर रोज को भी यहाँ उसके पास कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, और जब डिटेक्टिव और डॉक्टर इस रूम में आते हैं तो वो सिस्टर रोज को बेहोश पाते हैं। होश में आने पर सिस्टर को खुद भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसे हुई। उनकी नाक से खून भी आ रहा था और रात से पहले उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। डैनियल के पास आकर डॉक्टर डैनियल की कहानी पढ़ने लगते हैं जो कि एक नर्स ने टाइप की थी। ये टाइम था सिविल वॉर का जब डैनियल अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था। जंग के दौरान उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता है, इस सब में डैनियल को भी गोली लगी लेकिन गोली के असर में वो मरा नहीं। उसे जब होश आया तो उसने महसूस किया कि वो बुरी तरह जख्मी है, पर शुक्र है कि उसकी जान बच गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो क्रॉल करते करते
आबादी के एरिया में पहुंचा। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अब एक जगह के गिर बेहोश हो जाता है और दिखाया जाता है कि यहाँ कोई इंसान डेनियल को खींचते हुए अपने घर ले आया है। डेनियल को इस वक्त जब होश आया तो वो बेड पे लेटा था। उसके जख्म उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे थे। वो जैसे ही हिलने की कोशिश करता है तो यहाँ एक लेडी उसे आकर कहती है, नहीं हिलो मत, तुम्हारी ब्लीडिंग को बहुत मुश्किल से रोका गया है। इस टाइम पर इस औरत का हस्बैंड भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे डेनियल कहता है, प्लीज मुझे किसी हॉस्पिटल पहुँचा दो, मुझे अर्जेंट इलाज की जरूरत है। लेकिन ये आदमी जवाब पे कहता है, माफ कीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकता क्योंकि यहाँ करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये बात करने के बाद हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गया। दो दिन बाद जब उसे होश आया तो वो कपल उसके सामने ही बैठा था। वो आदमी अब डेनियल से कहता है, देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे कुछ असूल मानने पड़ेंगे। पहला ये कि तुम यहाँ रिलीजन या गॉड की कोई बात नहीं करोगे, और दूसरा ये कि ना हमें तुम्हारा नाम जानना है ना तुम हमारा नाम जानोगे, हम एक दूसरे को नामों से भी नहीं बुलाएंगे। यहाँ डेनियल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे साथियों तक मेरे जिंदा होने की खबर पहुंचा दें, वो खुद मेरी मदद को आ जाएंगे। लेकिन वो आदमी जवाब देता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम जंग का हिस्सा है और ना ही बनना चाहते हैं। रात में कोई जोर से डेनियल का बैग लाता है। डेनियल देखता है कि उसके कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वो थोड़ा डर जाता है, अब तो उसके यूरिन में भी ब्लड आने लगा था। और ये देखते हुए वो ये बात जान चुका था कि वो और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अब सीन यहीं से कट होकर प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डिटेक्टिव को डेनियल की कहानी सुना रहे हैं। डिटेक्टिव जो हर चीज में लॉजिक ढूंढकर अपने केस सॉल्व किया करते थे, वो यहाँ डॉक्टर से कहते हैं, मैं इस कहानी को नहीं मानता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बताओ कि एक इंसान इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा, और वो भी उस वक्त में जब वो शदीद जख्मी और शदीद बीमार है। क्या आपको लगता है कि ये कोई मेडिकल यानी मौजा है? वो सिस्टर रोज से बात करते हुए कहते हैं, आप बताएं आपको क्या लगता है? सिस्टर रोज जो पहले से ही डरी हुई थी, वो डिटेक्टिव से कहते हैं कि मैं नहीं जानती, ये बात तो एक प्रिस्ट ही बता पाएंगे कि ये कोई मौजा है या कोई ओवर ही पावर है। इससे पहले क्या आप डॉक्टर दोबारा कहानी सुनाना शुरू करते हैं, सिस्टर रोज उनसे एक्सक्यूज करके वॉशरूम के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई अजीब सी ताकत अजीब सा साया डरा देता है। यहाँ डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि डेनियल की ये कहानी किसने टाइप की। डॉक्टर बताते हैं कि ये एक नर्स ने टाइप की थी, लेकिन वो ये टाइप करते ही मर गई, उनको खतरनाक किस्म का कैंसर। इन्हीं बातों के दौरान यहाँ सिस्टर रोज उनके पास आती है और उनसे कहती है, प्लीज ये सब जो हो रहा है इसे रोक दें, मुझे लगता है कि उस रूम में डेनियल नहीं है, उस रूम में कोई एवल पावर है। सिस्टर रोज अब इस कहानी को और सुनना भी नहीं चाहती थी, वो इन्हें यहाँ किसी प्रिस्ट को बुलाने को कहती है। लेकिन डिटेक्टिव जिसे भूत प्रेत पे बिल्कुल यकीन नहीं था, वो कहता है, नहीं हम ये कहानी आज ही पूरी करेंगे और इस किस्से को आज ही निपटाएंगे। डॉक्टर कहानी सुनाने शुरू करते हैं और पास में सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ डेनियल की हालत काफी खराब है। डेनियल अभी उसी कपल के घर पे है और उसे इस घर में कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। उसे लगता था कि ये फैमिली कोई शैतानी काम करती है। हर रोज रात को कोई अजीब सी ताकत डेनियल को डरा जाती थी, और एक रात तो एक अजीब खौफनाक से दिखने वाली बूढ़ी औरत उसी कमरे में आकर पूरी ताकत से उसके बेड को इधर से उधर घुमा देती है। डेनियल बहुत ज्यादा डर जाता है, वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। सुबह होने पर डेनियल इस घर के मालिक से इस घर की हिस्ट्री पूछता है, तो वो औरत बताती है कि ये घर उसके पेरेंट्स का था, वो लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन पिछले 10-11 सालों में उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुई। जैसा कि एक दिन उसकी माँ जब जंगल में गई तो वापस लौटने पर उनकी हालत काफी अजीब थी। उनका चेहरा ऐसे हो गया था कि जैसे वो मर गई हूँ, जिस्म में से सड़ने की बदबू आती थी, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाई। फिर ये अजीब किस्म की बीमारी मेरी बेटी को भी हो गई, जब मेरी बेटी ठीक होती थी तो मेरी माँ बीमार हो जाती थी, और जब माँ ठीक होती थी तो मेरी बेटी बीमार हो जाती थी। हमने बहुत से डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन वो डॉक्टर ही मर गए। तुम्हें जो रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो मेरी बेटी की ही है। अगर तुम उन आवाजों से डिस्टर्ब होते हो तो मैं तुम्हारे कमरे की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगी। डेनियल कहता है कि यहाँ कोई बुढ़ी औरत भी मुझे डराने आती है। इस औरत को लग रहा था कि डेनियल उसकी माँ के बारे में बात कर रहा है, जो काफी सालों से चल भी नहीं पाई, और अपनी माँ का मजाक उड़ाते देखकर वो इस आदमी को खूब डांटती है और कहती है कि तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा। डेनियल कहता है, नहीं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे सच में कोई बूढ़ी औरत डराती है, वो कोई और ताकत भी हो सकती है। जिसका ये औरत कोई भी जवाब ना देते हुए यहाँ से बाहर चली जाती है, और सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अभी अभी डेनियल ने अपनी कहानी में किसी इवल पावर का नाम इस्तेमाल किया था, और सिस्टर रोज को भी ये मामला किसी इवल पावर यानी किसी शैतानी ताकत से रिलेटेड लग रहा था। इसलिए अब सिस्टर रोज को तो उसकी बातों पे यकीन आना शुरू हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पे यकीन नहीं करने वाले थे। वो डेनियल से पूछते हैं, आखिर बता भी दो कि तुम हो कौन, और ये सारी कहानी तुम घर क्यों रहे हो। इससे पहले कि डेनियल कोई जवाब देता, डिटेक्टिव को याद आता है कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है, उन्हें घर वापस जाना है। वो यहाँ से निकल जाते हैं, और बाहर जाने पे उन्हें पता चलता है कि बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, वो अपने घर भी नहीं जा पाएंगे, नाचार उसे हॉस्पिटल के अंदर वापस आना पड़ता है। डेनियल की टाइप हुई सारी कहानी उसके हाथ में थी, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी कहानी में
बहुत से कैपिटल अल्फाबेट्स हैं जिनको मिलाने से कुछ वर्ड्स बन रहे थे। अब वो क्योंकि यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो रास्ता उनके पास यही रह जाता है कि वो इस कहानी पे ही सही से रिसर्च करें। और यह डॉक्टर पे भी शक होता है कि कहीं वो तो उसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, इसलिए वो छुप कर डॉक्टर के रूम में जाकर वहाँ की तलाशी लेना शुरू करते हैं। उसे डॉक्टर के रूम के पीछे एक और रूम नजर आता है जहाँ पर डेनियल की केस की फाइल्स रखी हुई थी। इस फाइल में डेनियल की पुरानी तस्वीरें थी जहाँ डेनियल ने कई मरतबा अपने जिस्म पर डिटेक्टिव क्लेटन का नाम लिखा था। वो अब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे डेनियल का पुराना कमरा देखने की डिमांड करते हैं। यहाँ आकर डिटेक्टिव डॉक्टर से कहते हैं, अगर कुछ और भी आप इस केस के बारे में चाहते हैं तो मुझे साफ साफ बता दें। जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं, जितना मैंने आपको बताया यही बस मैं जानता था। और एक अजीब चीज ये भी थी कि इससे पहले डेनियल जिस हॉस्पिटल में था उस हॉस्पिटल के लोगों ने डेनियल को वहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो डेनियल के पास ज्यादातर रहता था वो बीमार होकर मर जाता था। और उनके बाद काटते हुए सिस्टर रोज उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ डेनियल के साथ क्या मसला है, उसके ऊपर एक शैतान का साया है। वो डॉक्टर से कहते हैं, हमें फौरन किसी प्रिस्ट को बुलाना चाहिए, ये सब हमारे बस का नहीं है। तब डिटेक्टिव सिस्टर रोज को रिलैक्स कहते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिस नर्स ने ये सारी कहानी टाइप की थी शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने इस कहानी में अपने आप से भी कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है और साथ ही मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिख दी। अभी वो लोग यही बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें डेनियल की खौफनाक सी आवाज बेसमेंट से सुनाई देती है। ये लोग जब बेसमेंट में आते हैं तो डेनियल उसी तरह अपने बेड पे लेटा था। डिटेक्टिव अब दोबारा उसकी स्टोरी उठा गए। सिस्टर रोज देखते हैं कि इसमें जितने भी कैपिटल अल्फाबेट्स हैं उनको लाइन से लिख दे। सिस्टर रोज शुरू से उस कहानी के कैपिटल अल्फाबेट्स को साथ साथ जोड़ने लग जाती है, जबकि डिटेक्टिव कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू करती है और सीन्स दोबारा एक बार पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ इस मरतबा दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी लेडी जो 13 साल से बिस्तर पे ही थी यानी चल नहीं सकती थी, वो उठकर डेनियल को डराने के लिए उसके कमरे में आती है। डेनियल उसे डरते हुए बेड के नीचे गिराता है। लड़की के भाई वो देखता है कि उस कपल की बेटी को भी कुछ हो गया था, वो दोनों रो रहे थे। जिसके कुछ देर बाद वो औरत डेनियल के कमरे से चली गई। अब इस तरह का मालिक डेनियल के कमरे में आया और उसने डेनियल को उठाकर बेड पे लिटाया। उसने अब पहली मरतबा डेनियल से डेनियल का नाम पूछा था। डेनियल के नाम बताने पर उसे याद आता है कि ये वही नाम है जो काफी दिनों से उसकी बेटी पुकार रही है। वो डेनियल से कहता है कि तुम मानो ना मानो तो भी वो इंसान हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो डेनियल को बताता है कि उन्हें एक शैतान ने पोसेस किया हुआ है। ये शैतान माँ बाप की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उन्हें पोसेस करता है। हम तो इससे तभी छुटकारा ले पाएंगे जब कोई हमें मार दे, जिसके बाद शैतान हमें मारने वाले के ऊपर हावी हो जाएगा। और तुम्हारे क्योंकि बच्चे नहीं है, तुम इस शैतान से पोसेस नहीं हो पाओगे। तुम हमें मार दो, हमारी मदद करो, हमें इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दो और इसके बाद तुम भी यहाँ से निकल पाओगे। आदमी ये बात कहकर यहाँ से चला जाता है। उसकी इन सारी बातों से डेनियल बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अब यहाँ से किसी भी तरह भागना चाहता था। रात में जब वो भागने के लिए उठ खड़ा होता है तो अचानक कोई शैतानी ताकत उसे हवा में उठा देती है। वो जोर जोर से चीखे मारता है जिससे सुनते हुए देखे इस घर के लोग यहाँ तक आ जाते हैं। वो आदमी डेनियल को टांग उसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है। जाते ही डेनियल अब इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुका था और डरने की वजह से वो अब बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को मार डालता है जिसने अभी उसे हवा से नीचे उतारा था। इसके बाद वो इस आदमी की वाइफ, इसकी बेटी और उसकी माँ सभी को मार डालता है। डेनियल ने जब उस बूढ़ी औरत और बच्चे को मारा तब वो दोनों ही पोसेस हुई हुई थी। डेनियल को उस बूढ़ी औरत को मारते हुए कोई मुश्किल नहीं हुई और जब वो बच्चे को मारने के लिए उसके पास गया था तो उस बच्चे को चैन से बांध कर रखा गया था। वो बच्ची उसे मारने के लिए उकसा रही थी जिसको मारने के बाद डेनियल यहाँ से जा चुका था। हम देख रहे थे कितना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद डेनियल ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसका साफ मतलब ये था कि शैतान ने अब उसे पोसेस कर लिया है। पता चलता है कि इसी फैमिली का मर्डर वो केस था जिसे डिटेक्टिव आज तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। दिखाया जाता है कि अब तक सिस्टर रोज भी सभी कैपिटल लेटर्स को लिखते हुए एक सेंटेंस बना चुकी थी जहाँ लिखा था आई एम इन डेनियल, यानी मैं डेनियल के अंदर हूँ और ये हिंट थी असल में शैतान ने। और ये बात जाने के बाद सिस्टर रोज और डॉक्टर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डिटेक्टिव अपनी गन लेने के लिए जाते हैं। वो जैसे ही गन लेकर लौटता है तो अब डेनियल उसे खड़ा हुआ उकसा रहा था अपने आप को मारने के लिए। डेनियल के अंदर असल में शैतान बोल रहा था। डेनियल के मरने के बाद वो अब डेनियल की बॉडी को छोड़कर डिटेक्टिव की बॉडी को पोजेस कर लेता, क्योंकि जैसे हमें ये बात पता है कि ये शैतान माँ बाप की कमजोरियों को टारगेट करता है, तो फिर इस मामले में डिटेक्टिव तो पहले से ही कमजोर थे। वो हमेशा से इसी गिल्ट पे थे कि उनसे उनका बेटा मर गया और उनकी वजह से उनकी बेटी पैरालाइज थी। डेनियल इस वक्त पर क्लेटन को समझाने की कोशिश करता है कि वो डेनियल को ना मारे वरना शैतान उसे पोजेस कर लेगा, पर डेनियल की बॉडी के अंदर मौजूद शैतान डिटेक्टिव को बार बार उकसा रहा था डेनियल को मारने के लिए, क्योंकि वो डेनियल की बॉडी में रह जाकर तंग आ चुका था। उसकी बात मानते हुए डिटेक्टिव डेनियल को गोली मार देते हैं और ऐसा करते ही शैतान ने डेनियल की बॉडी को छोड़कर डिटेक्टिव की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया। उसे पोजेस करने की वजह से उसका फेस बिल्कुल बदल जाता है, उसके अंदर से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका चाल चलन भी
लिए बदल जाता है। वो सीधा अपने घर जाकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ शैतान अब उसे उसकी बेटी को मारने को कह रहा था। लेकिन डिटेक्टिव एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान था। वो इतनी जल्दी शैतान की बातों में नहीं आता। अपनी बेटी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो यहाँ अपने आप को ही खत्म कर देता है। अब क्योंकि किसी और ने डिटेक्टिव को नहीं मारा था तो शैतान किसी और की बॉडी में ट्रांसफर हो भी नहीं सकता था। शैतान को ऐसे उसकी भी बॉडी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। डिटेक्टिव की बेटी के लिए उसके बाप का उसकी आंखों के सामने मरना एक सबसे दर्दनाक मोमेंट था। वो अपनी मॉम के साथ गले लगकर रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में डेनियल को दिखाया जा रहा था जो अभी तक जिंदा है। वो अब कितना अरसा जिएगा किसी को नहीं मालूम। उसके साथ यहाँ सिस्टर रोज और डॉक्टर को जिंदा दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।